नमस्कार सभी दोस्तों को। ये मेरा पहला चैनल है और इस चैनल पर मैं आज अपनी पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम मेथड क्या है। कॉलम मेथड में ये होता है कि हम एक से लेकर 100 तक की कोई भी संख्या हो, हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अभी हम लॉन्ग तरीके से करेंगे, फिर हम इसे शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। कितनी कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो ये 3 कॉलम हमने बना ली और इसमें ऐसे एक रो खींच देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो यहाँ रख देंगे, 2ab यहाँ पर और बी स्क्वायर यहाँ पर। अब मान लिया हमने 25 का स्क्वायर निकालना है, किसका, 25 का। तो इसे क्या मान लेंगे, ए, इसे मान लेंगे बी, ठीक है। तो ए या ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 इंटू फिर ए की जगह पर आ जाएगा 2 और बी की जगह पर 5। बी की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, 2 या 4 5 या 20, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर होता है 25। अब हम क्या करेंगे, 5 तो छोड़ देंगे यहीं, इसे अगले अगले कॉलम में प्लस कर देंगे, कितना हो गया 22। अब 2 को यहाँ छोड़ दो, फिर जो बची संख्या उसे यहाँ लिख दो प्लस करने के लिए। तो 4 प्लस 2 6, तो कितना हो गया 625। किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, ठीक है ना। यही है कॉलम मेथड और कुछ नहीं है। अब जो है हम एक और करके देखेंगे, समझ में आ गया, रफ कर दूँ, ठीक है। अब जैसे हम लेंगे, हम यहाँ 40 का स्क्वायर ले लिया, या हम ले लेते 55 का स्क्वायर, या हम ले सकते हैं 67 का स्क्वायर, किसी का भी निकाल लो। हम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, इसका निकाल लेते, इसे क्या मान लेंगे ए और इसे बी, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे यहाँ पर रख लो, 6 का स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू 7, यहाँ 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 से 12, 12 7 जा 84, 6 का स्क्वायर 36, या 9 छोड़ देंगे, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। 4 4 8, यहाँ 8, 8 यहाँ छोड़ दिया, फिर 8 यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 8 में 6 जोड़ेंगे 14, कैरी 1, 3 1 44, यहाँ कितना आंसर आया, 67 का स्क्वायर निकल कर आया 4 4 8 9, क्लियर, ठीक है। अब हम आगे सीखते हैं, जैसे शॉर्ट में कैसे करेंगे, एक और बताऊँ, समझ में आ गया, ठीक। देखो ये तो हो गया कि हमें कॉपी में कैसे करना है, कभी हमसे हमें दे दिया जाए तो, लेकिन अगर हमें जल्दी निकालना हो तो जब कैसे करेंगे, तो हमें फॉर्मूले याद रखना है, ये जो फॉर्मूले हमें याद रखना, कैसे कैसे रखनी है ये हमें याद रखना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 35 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, अब तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 15 2 30, ऐसे हो गया, ठीक है। अब 5 यहीं छोड़ दो, 2 यहाँ प्लस कर दो, 2 जीरो जोड़ेंगे 2, 3 और 4 यहाँ 9 3 12, तो कितना आंसर आया, ये निकल कर आया 1225। ऐसे हम इसे 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं ये आंसर, ठीक है। समझ में आया हो तो हमें कमेंट में बता दें, बस हम आगे वीडियो बनाएंगे और अच्छे तरीके से बनाएंगे, अगर समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है, धन्यवाद।